अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन को हुए नुकसान से क्यों बढ़ी बाइडेन की चिंता? ईरान अमेरिकी टकराव की ताजा गवाह कौन है? रूस के सुखोई S-70 ड्रोन से दुश्मन कैसे बेचैन? और किस देश में आतंकवादियों के केमिकल अटैक प्लान का खुलासा हुआ? वैश्विक तनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल। साउथ चाइना सी में न्यूक्लियर सबमरीन को हुए नुकसान ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। परमाणु क्षमता से लैस यूएसएस कनेक्टिकट को 2 अक्टूबर को एक अभियान के दौरान नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ये नुकसान हुआ। अमेरिकी नेवी के मुताबिक सबमरीन बिल्कुल सुरक्षित है और हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। अमेरिका से जारी तनातनी के बीच ईरानी मीडिया ने एक नया वीडियो जारी किया है। इसमें ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना इकाई ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी स्पीड बोट्स का पीछा किया और उसे रोक दिया। ये घटना कब की है स्टेट टीवी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अमेरिका से जारी तनाव के बीच रूस ने भी अपनी सुरक्षा तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। रूस ने पहली बार अपने S-70 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को दुनिया के सामने पेश किया है, जो जासूसी ही नहीं हमला करने में भी माहिर है। अमेरिका और रूस के बीच काला सागर, बाल्टिक सागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका में काफी तनातनी देखी जा रही है। तालिबान दुनिया भर के लिए नासूर बन चुका है। चीन और पाकिस्तान उसे फिर भी पालने में लगे हैं। अब रूस भी संपर्क साधने में जुट गया है। खबर ये भी है कि उसने तालिबानी नेता को बातचीत के लिए 20 अक्टूबर को मॉस्को बुलाया है। तालिबानी नेता इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान को मान्यता देने के लिए दुनिया भर में गिड़गिड़ा रहे हैं। सीरिया में आतंकवादी केमिकल अटैक की तैयारी कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें कई स्रोतों से सूचना मिली है कि हयात तहरीर अल शाम आतंकी समूह इदलिब में डी एक्सलेशन जोन के दक्षिणी भाग में केमिकल अटैक की तैयारी कर रहा है। चीन अपनी चालबाजी के खिलाफ अमेरिकी विरोध से परेशान है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलविन के साथ चीनी शीर्ष राजनयिक यांग जेची ने बैठक की। इस दौरान उसने वाशिंगटन से ताइवान, हांगकांग, शिनजियांग समेत बीजिंग के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान किया। ताइवान पर चीनी हमले का खतरा है, इसे देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने 3 एयरक्राफ्ट साउथ चाइना सी में फिलीपींस के पास तैनात कर दिए हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइलों से लैस डिस्ट्रॉयर के साथ अभ्यास कर रहा है। 4 दिन के अंदर चीन के 149 लड़ाकू विमानों ने ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसपैठ की है। तालिबान को भी पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं है। उसने बिना नोटिस के पाकिस्तान से सटी सीमा चमन बॉर्डर को बंद कर दिया है। बॉर्डर पर बकायदा सीमेंट के बड़े रोड ब्लॉक खड़े कर दिए गए हैं। सीमा प्रबंधन मामलों में तनातनी के बाद तालिबान ने कदम उठाया है। दुनिया के कई मुस्लिम मुल्कों में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। अफगानिस्तान में हजारा, पाकिस्तान में शिया, चीन में उइगर मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो गई है, लेकिन OIC ने इस सच्चाई पर आंख मूंद ली है। उल्टे इस्लामिक देशों के संगठन ने असम हिंसा पर झूठ का पुलिंदा बनाया है और उत्पीड़न का प्रलाप किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।